इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक लॉयर का है, चूंकि एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलिंग मूवी है। नीलम मुनीर और एहसन खान के हवाले से भी बताएगा कि उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और सेट पर कैसा माहौल। ऑफ द वर्क भी चूंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, घरों में आना जाना है, काम के दौरान भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम घरेलू दोस्त ही इकट्ठे मिलकर कोई काम कर रहे हैं। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? नीलम बहुत अच्छी इंसान है, सबा कमर जो है शी इज अ ग्रेट पर्सन एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट एज वेल। जब इस फिल्म के हवाले से कॉल आई उनकी कि भाई एक कैरेक्टर है जो कि हम चाह रहे हैं कि आप उसको करें, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से उसको करना पड़ेगा, तो इसीलिए कॉल किया है आपको। तो वो पढ़ा और बड़ा ज़बरदस्त था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, और फिर यासिर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि देखिए चूँकि आप डायरेक्टर हैं तो ये आप ही इतना कैरेक्टर निकाल कर आप ही कर सकते हैं, हमारे तो इतने वो नहीं है सत्तू। तो थैंक्स टू हिम कि इट ऑल केम आउट वेरी नाइस और दैट इज़ हाउ इट ऑल बिगेन। आपका इसमें क्या कैरेक्टर है? इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक लॉयर का है, और चूँकि एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलिंग मूवी है तो किसी भी मर्डर केस के अंदर एक वकील का क्या किरदार हो सकता है वो कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा, लेकिन ज़्यादा जो सरप्राइजेज हैं वो सिनेमाघरों में वो एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब एक हैंडसम लॉयर का आप उसमें किरदार निभा रहे हैं, तो ये बताइएगा कि कोई ऐसा सीन जिस पर अड़ गए हो ज़्यादा रीटेक्स? कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि बड़ी स्मूथ किस्म की शूटिंग थी। ही इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्टर, और चूंकि निदा यासर ने इसको प्रोड्यूस किया, शी इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्रोड्यूसर, वो माइक्रो लेवल के ऊपर चीज़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, तो ऐसा कभी रूटीन में हमारी शूटिंग में कोई ट्रबल चुक रहे, कोई ट्रबल या कोई इस किस्म की डिलेज नहीं आए। ये एक हुआ था कि जो कि खैर बहुत बड़ा डिले था, अभी हमारी 6 दिन की शूट स्टार्ट हुई थी कि अचानक पूरी दुनिया में पेंडेमिक का ऐलान हो गया, जिसकी वजह से जो फिल्म है वो करीबन 1.5 साल जो हॉल्ट पे रही, और 1.5 साल तक जो जिस कैरेक्टर जिस हुलिये में था उसको वो फिर मेंटेन करना पड़ा। कास्ट में भी किसी को कोरोना? जी, नीलम मुनीर को भी और एहसन खान को भी, और लेकिन शुक्र अल्लाह का कि चूँकि वो वैक्सीनेटेड भी थे तो बचत हो गई। नीलम मुनीर और एहसन खान के हवाले से भी बताइएगा कि उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और सेट पर कैसा माहौल? ऑफ द वर्क भी चूँकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, घरों में आना जाना है, तो काम के दौरान भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम घरेलू दोस्त ही इकट्ठे मिलकर कोई काम कर रहे हैं, किसी किस्म की भी कोई ना उनकी तबीयत ऐसी है ना नीलम इज़ एब्सोल्युटली नॉट ए डिफ़िकल्ट पर्सन, और एहसन जो है वो इतने सालों से इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी ही स्टिल डाउन टू अर्थ, तो मैं क्या कोई भी हो तो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल पीपल टू वर्क विद। तो ये बताइएगा कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है जिसके साथ मुस्तकबिल में काम करने की ख्वाहिश? सबके साथ काम कर चुके हैं, नीलम बहुत अच्छी इंसान है, सबा कमर जो है शी इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट एज वेल, और आई डोंट नो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, आई मीन मावरा शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और आई मीन ऑल दीज गर्ल्स जो कि देखने में थोड़ी इंडिपेंडेंट डिफ़िकल्ट गर्ल्स लगती हैं, बट डीप डाउन दे आर नॉट ओनली गॉर्जियस गर्ल्स लेकिन लोग भी इंसान बहुत अच्छी हैं सब। अच्छा सर, कल आपसे UMT में मुलाकात हुई तो आप वहाँ पर भी बात हुई कि मल्टी लेयरिंग ये फिल्म है, तो ये कितना इसके हवाले से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और भी फिल्में? देखें, ये बहुत ज़्यादा व्यूअर्स को इंगेज रखने वाली फिल्म है, और चूँकि मल्टी लेयर इसका स्क्रिप्ट है तो उसके अंदर केस को सॉल्व होना, फिर गुत्थी सुलझना और उलझना, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जितनी लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट जो है वो खाली, इट्स नॉट जस्ट सिंगल ट्रैक फिल्म, इट्स अ मल्टी ट्रैक फिल्म, तो आई थिंक लोग इसको उतना ही ज़्यादा डबल ट्रिपल इन्जॉय करेंगे। ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन? जी, आगे 2 फीचर फिल्म्स हैं, वो लिखी भी हुई हैं और वो अब होपफुली इंशाल्लाह बड़ी ईद के आसपास वो जाएंगी प्रोडक्शन में, तो उस पर फ़िलहाल फोकस है, और वो थोड़े ज़रा बड़े स्पेक्ट्रम पे बनी हुई है, एक्शन बेस्ड हैं, तो इंशाल्लाह देखें, ऑल आइज़ ऑन इट। बहुत शुक्रिया सर। तो ये नाजरीन अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी फिल्म ईद उल फितर पर आ रही है, आप लाजमी जाकर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।